आपके इलम में है, आज जो हमारा एक्सपेरिमेंट है वो सिंपल पेंडुलम यानी सादा पेंडुलम के बारे में है। हमने सादा पेंडुलम के ऊपर लंबाई के असरात का मुतालया करना है। अब सबसे पहले तो कुछ चीज़ें हैं कि सादा पेंडुलम क्या होता है। सादा पेंडुलम आपके सामने ये एक लोहे का बना हुआ एक मजबूत गोला है, जिसको एक ऐसी रस्सी या तार से बांधा जाता है जो जिसको खींचने से उसकी लंबाई में इजाफा ना हो, जिसे कहते हैं इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। तो सिंपल पेंडुलम इज डिफाइंड एज अ पॉइंट मास सस्पेंडेड बाय इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग इज कॉल्ड सिंपल पेंडुलम। अब सादा पेंडुलम का जो दोरी वक्फा है यानी इसकी जो हरकत है उसको हम दोरी हरकत कहते हैं या वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। तो इसमें इसकी हरकत का एक दौर मुकम्मल होने के लिए जो वक्त दरकार होगा उसके हम कहेंगे कि टाइम पीरियड या दोरी वक्फा। टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन आर रेवोल्यूशन इज कॉल्ड वन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन आर वन रेवोल्यूशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। टाइम पीरियड इज रिप्रेजेंटेड बाई टी। इसका जो फार्मूला है टी इज इक्वल टू 2πL/g अंडर द रूट अंडर द स्क्वायर रूट साइन। एल जो है इसमें लेंथ ऑफ द थ्रेड है, धागे की लंबाई है, और जो जी है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वो क्या है कांस्टेंट है। तो इसका जो डायरेक्ट वेरिएशन बनता है वो लेंथ ऑफ पेंडुलम के साथ बनता है। तो जितनी धागे की लंबाई ज्यादा होगी उतना टाइम पीरियड क्या होगा ज्यादा होगा। तो पेंडुलम के लिए सबसे पहले हम ये जो धागा हमने लेना है वो तकरीबन ऑलमोस्ट 100 मीटर लंबा लेना है। कितना लेना है जी? 100 सेंटीमीटर यानी कि 1 मीटर लंबा लेना है। और फिर बाद में इसको कार्क से गुजार के हम इसकी लंबाई जो है वो 70 मीटर छोड़ेंगे। कितनी छोड़ेंगे जी? 70 मीटर। अब सबसे पहले हम ये आपके सामने पेंडुलम है इसका वर्नियर कैलिपर, ये जो इंस्ट्रूमेंट है मेरे हाथ में इसका नाम क्या है जी? वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर की मदद से हम इस सिंपल पेंडुलम का सबसे पहले हम डायमीटर मालूम करेंगे। क्या मालूम करेंगे? डायमीटर या कुतर मालूम करने के लिए इसको हम सबसे पहले हमने वर्नियर कैलिपर को हमने चेक किया और जीरो एरर के लिए, तो इसमें कोई जीरो एरर मौजूद नहीं है क्योंकि बिल्कुल नया इंस्ट्रूमेंट है। उसके बाद हमने इसकी जांच को खोल के इसकी जांच के दरमियान में हम इसको रखेंगे सिंपल पेंडुलम को, और इसका ये जो टाइटिंग स्क्रू है इसको हम टाइट करके इसकी रीडिंग मेन स्केल रीडिंग भी देखेंगे और वर्नियर स्केल रीडिंग भी देखेंगे। फिर इसका जो तरीका है फार्मूला है उसके मुताबिक हम इसकी लंबाई जो है वो देखेंगे। मेन स्केल रीडिंग जो होगा इसकी रियल पार्ट होगी और जो वन ईयर स्केल रीडिंग होगी उसको लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो इसका क्या आ जाएगी? फ्रैक्शनल पार्ट। क्या आ जाएगी जी? फ्रैक्शनल पार्ट आ जाएगी। इसका लीस्ट काउंट जो है वो 0.1 मिलीमीटर यानी 0.01 सेंटीमीटर। तो अभी मैं अगर इसकी मिलीमीटर में ये रीडिंग लूँ आपके सामने, तो अगर मैं देखूँ तो मेन स्केल पे 1 के बाद 3 पॉइंट्स यानी 13 मिलीमीटर जो है तकरीबन इसके जो है ये गुजरे हुए। कितने गुजरे हुए जी? 13 मिलीमीटर। यानी मेन स्केल रीडिंग जो इस वक्त ये इसके जो वर्नियर स्केल का जो जीरो है उसकी लेफ्ट साइड पे 13 मिलीमीटर गुजरे हुए हैं। तो इसकी जो रीडिंग हम ले रहे हैं वो कितनी ले रहे हैं जी? 13 मिलीमीटर। कितनी ले रहे हैं जी? 13 मिलीमीटर। तो उसके बाद हम इसका वर्नियर स्केल का जो दर्जा देखेंगे जी कौन सा इसके साथ कोइंसाइड कर रहा है, तो मेन स्केल के दर्जे के साथ, तो वो गालबन जो है जी 5वां पॉइंट जो है इसका 5वां दर्जा जो है वो टिप टू टिप कोइंसाइड करें। तो इसकी जो रीडिंग है 5 को हम जो है लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलमोस्ट मिलीमीटर में जो इस वक्त इसकी रीडिंग है 13.5 मिलीमीटर है। कितनी है जी? 13.5 मिलीमीटर। ये इसका डायमीटर आ गया। डायमीटर का हाफ रेडियस लेना है, तो रेडियस जो होता है वो डी बाई टू के बराबर होता है। तो ये 13.5 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये आपके पास इसका क्या आ जाएगा? रेडियस आ जाएगा। क्या आ जाएगा जी? रेडियस। अब इसके बाद जी हम इसका जो है इसको थ्रेड से यानी धागे से बांधेंगे। तो धागा जो हमने लेना है वो कितना लेना है जी? 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर। तो ये मीटर रॉड के ऊपर हम इसको नापेंगे जी। ये आपके सामने जो हमने धागा लिया जी ऑलमोस्ट जो है ये कितना ले लिया जी? 100 सेंटीमीटर। थोड़ा सा उपके साथ बांधने के लिए थोड़ा ज्यादा ले लिया। तो यहाँ से इसको जरा पकड़े आप, इधर से आ रहे आप इसे पकड़े। तो ये 100 से थोड़ा ज्यादा इसको हमने यहाँ से सीजर की मदद से क्या लिया जी? काट दिया। अब इसको इस हुक के साथ बांध दें, ये इस हुक के साथ बांध दें। तो ये आपका जो अरेंजमेंट है इसको हम क्या कहते हैं? सिंपल पेंडुलम। क्या है जी? सिंपल पेंडुलम। अ पॉइंट मास सस्पेंडेड बाय इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग इज कॉल्ड सिंपल पेंडुलम। अब ये आपके सामने मेरे हाथ में कुछ कार्क पड़े, ये रबड़ कार्क हम यूज करेंगे। कार्क को हम दरमियान में से काट के स्टैंड में लगाएंगे और धागा उसके दरमियान में से गुजारेंगे और इतना गुजारेंगे कि धागे की लेंथ जो है वो कितनी रह जाए? 70 मीटर। कितनी रह जाए जी? 70 सेंटीमीटर। 70 सेंटीमीटर। तो और यानी 0.7 मीटर, ठीक है जी।
तो 70 सेंटीमीटर रह जाए, फिर 70 पे हम इसकी रीडिंग लेंगे, फिर एक दफा 80 पे लेंगे और फिर एक दफा 90 पे लेंगे। तो धागे को काटने के लिए जो है, इसको कार को काटने के लिए हम इसको आपके सामने इस तरह उल्टा रखेंगे टेबल के ऊपर, और ये छुरी की मदद से हम इसको एन दरमियान में से क्या कर देंगे जी, काट देंगे। तो ये हमारे पास जो है कटा हुआ कार्क जो है, ये हमने कार्क को दो हिस्सों में काट दिया। अब इसको बिल्कुल इसी एंगल पे जो है स्टैंड में लगा देंगे और इसमें से हम धागा गुजारेंगे। धागा हमने इतना गुजारना है कि ये इसकी लेंथ कितनी रह जाएगी, 70 कितनी रह जाएगी, 70। हम इसको जरा मीटर रॉड के ऊपर जो है 70 सेंटीमीटर पहले इसको मापेंगे, इस तरफ से ये ऑलमोस्ट 70 कितनी रहेगी जी, 70। ये हुक से ऊपर, हुक से ऊपर अब इसको हम कार्क में से गुजारेंगे। यहाँ से आप जरा खड़े हो जाए ना, इसको पकड़ लें, हाँ जी यहाँ से बिल्कुल। अब ये कार्क में स्टैंड में रखूँगा, इसके बीच में से धागा गुजारें, इसको जरा स्टैंड को हमने लूज किया, ठीक है जी। लूज करने के बाद हम एक कार के बीच में से धागा गुजारेंगे, शाबाश। ये कार के बीच में से धागा गुजारने का ये फायदा है कि आप इसकी लेंथ को कार को लूज करके कम या ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ से हम इसको दरमियान में ही देखें, धागा रखा हमने, अगर आपको दिखाई दे रहा है तो ये हमने साथ ही इसको क्या कर दिया, इसके स्टैंड को क्या कर दिया जी, टाइट कर दिया, ठीक है। अब ये अपनी जगह से, ये जो लेंथ है इसकी, ये हमने ये 30 सेंटीमीटर कम की, तो ये इसकी जो लेंथ रह गई है हमारे पास वो ऑलमोस्ट कितनी है जी, 70। एक दफा फिर हम इसे मीटर रॉड से चेक करेंगे, फिर अब देखें तो ये हमारे पास कितनी रह गई जी, 70 सेंटीमीटर। उसके बाद अब हमने इसका दोरी वक्फा यानी टाइम पीरियड हमने क्या करना है जी, मालूम करना है। टाइम पीरियड मालूम करने के लिए हम स्टॉप वॉच यूज कर सकते हैं, उसके लिए डिजिटल स्टॉप वॉच भी होती है और एनालॉग भी है। इस वक्त जो हमारे पास मौजूद है वो एनालॉग स्टॉप वॉच है, इसका आपको इस्तेमाल का पता है कि इसके जो पुश बटन भी है, जैसे ही आप इसको पुश करेंगे तो ये चलना शुरू हो जाएगी, आप रोकना चाहें तो ये दोबारा इसको पुश लगाएंगे जहाँ पे तो ये रुक जाएगी। तो ये इसके एडजस्टमेंट के लिए साथ लेफ्ट पे एक छोटा बटन मौजूद है। अब ये मैंने आपको जो अरेंजमेंट दिखा दिया जी आपके सामने, ये क्या है जी, सिंपल पेंडुलम। इसकी इस वक्त जो लेंथ है वो कितनी है जी, 70 सेंटीमीटर। पहली रीडिंग आप 70 पे लेंगे, इसके लिए आपने 30 वाइब्रेशन या 40 वाइब्रेशन के लिए इसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है, फिर उसको उसके बाद इसकी लेंथ आप ज्यादा कर सकते हैं इस धागे की मदद से 80 सेंटीमीटर पे, फिर उसके बाद 90 पे, तीन मुख्तलिफ लेंथ पे हम इसका टाइम पीरियड मालूम करेंगे। तो ये जो टाइम पीरियड होगा आप देखेंगे कि जैसे जैसे लेंथ हम बढ़ाएंगे इसके टाइम पीरियड में क्या होगा, इजाफा होगा। स्टूल दे देंगे आपके सामने, इसको जरा खड़ा कर दें, जैसे ही ये रेस्ट पोजीशन में आ जाएगा तो ये कौन सी, ये इसकी कौन सी पोजीशन आ जाएगी जी, इक्विलिब्रियम पोजीशन, कौन सी जी, इसको हम मार्क कर लेंगे हम स्केल की मदद से, इसका जो है वो सेंटर भी देख सकते हैं जो जस्ट बिलो द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन होगा, यहाँ पे इसका पॉइंट जो है वो हमारा क्या आ गया जी, ओ, कौन सा पॉइंट आ गया जी, ओ, इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है इसकी, एक पट वर्टिकल और एक परपेंडिकुलर लाइन लगा के हम इसको जो है ये मेंशन कर सकते हैं, इसको हम नाम देंगे ओ का, क्या देंगे जी, ओ का। अब हम दो एक्सट्रीम पोजीशन लेते हैं इसके, दो इंतहाई मकामात लेते हैं, एक ए होगा मुनासिब सा इसका, एक ए और दूसरा क्या होगा जी, ए प्राइम, क्या होगा जी, ए प्राइम। तो इसको हम दोनों तरफ हम स्केल से नाप के भी ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने यहाँ पे इसको इस तरफ भी अगर हम ये जहन में रखें कि ये जो इसका हीता या एम्पलीट्यूड होगा जितना छोटा लेंगे ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है जी। तो ये अगर हमने ले लिया यहाँ पे भी 20 पे और यहाँ भी 20 पे हमने निशान लगा दिया, तो ये इसकी एक्सट्रीमिटीज आ गई, ये ए आ गया और ये क्या आ गया जी, ए प्राइम आ गया, क्या आ गया जी, ए प्राइम। अब हमने इसको इन एक्सट्रीम्स के साथ जो है ये हमने यहाँ से इसको मूव करवाना है। अब हम जैसे ही इसको मूव करवाएंगे
तो ये इसके ऊपर मैं जो लगा रहा हूँ कौन सी एक्सटर्नल फोर्स है, क्या है जी? इस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से जो है अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्टर्ब होके ये एक एक्सट्रीम पोजीशन पे चला गया, जिसको हम क्या कह रहे हैं ए, और ये इसने जितना फासला तय किया इसको हम क्या कहते हैं एम्पलीट्यूड, क्या कहते हैं एम्पलीट्यूड या ईटा। जैसे ही मैं इसे यहाँ से डिस्प्लेस करूंगा तो ये सेंटर की तरफ आएगा, लेकिन सेंटर पे रुकेगा नहीं, इनर्शिया की वजह से दूसरी एक्सट्रीमिटी ए डैश तक चला जाएगा। तो इस तरह जब ये यहाँ से यहाँ तक मुकम्मल होकर फिर वापस आएगा तो ये इसकी हरकत का क्या हो जाएगा जी, एक दौर हो जाएगा। तो इसको हम वन रेवोल्यूशन काउंट करेंगे, क्या करेंगे, यानी वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ ए मूविंग बॉडी इज कॉल्ड वन वाइब्रेशन और वन रेवोल्यूशन। ठीक है जी, ये ख्याल रखना है कि ये स्टैंड से टकराए भी नहीं और बिल्कुल सीधा इसको हम यहाँ से डिस्प्लेस करेंगे। और स्टॉप वॉच ये मेरे हाथ में है, जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा तो ये इसके साथ ही इसको मैं इसको ऑन कर दूंगा। ठीक है जी, तो वन टू थ्री, नहीं दोबारा, सीधा होना चाहिए, क्या होना चाहिए जी, सीधा, बिल्कुल सीधा आना चाहिए। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी थ्री थर्टी पे हमने स्टॉप कर दिया। तो हमारे पास जो इसका जो टाइम आ गया, कितना टाइम आ गया जरा कैलकुलेट करें, 50 सेकंड, कितना आ गया जी, 50 सेकंड आ गया। तो इसको हम अपने पास नोट कर लेंगे और इसी लेंथ के ऊपर हम इसकी तीन दफा रीडिंग लेंगे, क्या करेंगे जी, तीन दफा टाइम कैलकुलेट करेंगे, फिर उसका हम क्या निकाल लेंगे, एवरेज निकाल लेंगे। अब ये जो भी टाइम है आपको 50 डिवाइडेड बाई 30 करें तो टाइम फॉर वन रेवोल्यूशन आ जाएगा, क्या आ जाएगा जी, आप अगर अपनी नोटबुक को भी देख लें तो इसमें यही चीजें हैं। अगर आप गौर से देखें तो इसमें सबसे पहले जो है पेंडुलम की धागे के साथ विद थ्रेड जो है इसकी लेंथ है, इसको हम स्मॉल ले लें। उसके बाद जो है ये पेंडुलम का जो रेडियस है यानी निसफ कुतर है, वो डायमीटर जो हमने मालूम किया उसका हाफ है। और फिर टोटल लेंथ जो होगी इसमें इसकी लेंथ ये 70 मिलीमीटर और 70 सेंटीमीटर और साथ जो है इसका जो आपका रेडियस है वो इसमें ऐड हो जाएगा। उसके बाद इसके लिए जो टाइम फॉर 30 रेवोल्यूशन है वो 1, 2, 3 रीडिंग्स लेके उसकी एवरेज निकालेंगे और ये आखिर में इसका टाइम पीरियड जो आएगा ये टाइम फॉर 30 रेवोल्यूशन टाइम जो इसके 30 रेवोल्यूशन के लिए और डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, ये 50 डिवाइड बाई 30 आ जाएगा। तो ये इसका क्या आ जाएगा, टाइम पीरियड आ जाएगा, क्या आ जाएगा, टाइम पीरियड। तो ये आप इसको करेंगे 70 पे, फिर उसके बाद यहाँ